साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं बलबीर। साथियों सभी को इंतज़ार है मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी का। वैकेंसी कब तक आएंगी? व्यापम ने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट सितंबर की दे तो दी है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। अब साथियों इसमें एक न्यूज़ आई थी बहुत पहले ही कि जो मैथ्स और जो ड्राइंग के जो टीचर हैं उनकी जो पोस्ट आनी है उनको मर्ज किया जा रहा है। जो टीओ जिस ट्रेड का मतलब ट्रेड में पढ़ाएगा वही सब मैथ्स और ड्राइंग को पढ़ाएगा, तो उस रीज़न से तो ये पोस्ट नहीं रुक सकती, क्योंकि वो तो दो या चार दिन का ही काम है। क्योंकि उसमें तो क्या है, मतलब पोस्ट कम हो जाएंगी, बाकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के अंडर में जो ट्रेड्स आती हैं जैसे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ये सब ट्रेड मैकेनिकल के अंडर में आती हैं, तो इनमें तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। इसका तो जितना पोस्ट है उतना ही पोस्ट निकलेगा, बल्कि और मैं कहता हूँ कि और पोस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा तो पोस्ट इनको बढ़ानी ही पड़ेंगी। साथियों वैकेंसी तो थोड़ा बहुत लेट हो भी सकती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है। इसका मतलब टेंटेटिव डेट दे दी है लेकिन इसके आगे पीछे हो ही सकती हैं, तो इस बीच में साथियों हमें अपनी तैयारी पूरे पुरजोर तरीके से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आनी आनी है। 100% वैकेंसी आएंगी और इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बढ़िया से तैयारी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो सब यही करते हैं कि जब एग्ज़ाम आ गए, फॉर्म हमने डाल दिया है, तो अब अपनी किताबें उठा के देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इसका सिलेबस है, वही जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और फिर हम एग्ज़ाम दे आते हैं, उसके बाद फिर हम रिज़ल्ट देखते हैं, तो रिज़ल्ट में हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। तो रीज़न यही है कि साथियों उसी टाइम से आप तैयारी करते हो, तैयारी जबकि पहले से ही एक दो साल की जब तक आपकी तैयारी बढ़िया से नहीं करते ना, तब तक आपका सिलेक्शन नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि हर लड़का 3-4 साल मेहनत कर रहा है, या फिर जो 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो 1 या 2 साल में ही कवर कर लेता है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। बाकी जो 2-3 घंटे लड़के जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, कंपटीशन इतना बढ़ गया, अब क्या करें, बेरोज़गारी है इतनी। तो साथियों मेरा बस आपसे यही कहना है कि तैयारी आप शुरू कर दीजिए, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की हो तो। अगर आपको मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। अगर इससे कम आप अगर आप पढ़ाई करते हो तो सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन होगा ही नहीं। वैकेंसी इतनी भी ज़्यादा नहीं आने वाली कि भाई जो तैयारी कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए, तो जो वैकेंसी है वो लिमिटेड रहेंगी। अब लिमिटेड वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको लिमिटेड बंदों की तरह ही तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आप सभी की तरह चलोगे तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल है। आई होप दोस्तों आप मोटिवेट हुए होंगे मेरी बातों से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अब 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, जिससे वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय हिंद।